अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अलजीज तुमसे निकाह का ख्वाहिशमंद है। गुंडों को रोक ले बाबा, से मरने से बचा ले। अफ्तालिया को मारना लाजम है मार्कस, और उसके साथ अर्तुरुल को भी। गुंडों ने बाबा से खुद जाने के लिए इसरार किया। यकीनन उनको भी इस सफर के खतरात का अंदाजा है, इसलिए हम सबको साथ रवाना किया है सुलेमान शाह ने। इत्मीनान रखो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अपनी अल अजीज की फौज हमारे पड़ाव के वस्त तक पहुंच गई और हमारी औरतों से उनका टकराव हो गया तो यह अफसोसनाक होगा। तुम हमारी जबान से वाकिफ हो तो इंतजार किस बात का? बहुत से सवाल जवाब करने हैं तुमसे। फिर तो तुम्हें जवाब हासिल करने के लिए मेहनत करनी होगी। खुशी से आ जाओ मैदान में। शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं तुम्हारे बाजू, लेकिन अगर जबान लड़खड़ाई तुम्हारी तो इसे काट कर चील कव्वो को खिलाऊंगा मैं। तुम मुझसे एक लफ्ज भी नहीं उगलवा सकते। तुर्क, मैं सलीबी जाबाज हूँ, तुम मुझसे कुछ भी नहीं उगलवा सकते। इतनी आसानी से यूं जहर खाकर तुम्हें मरने नहीं दूंगा मैं। मेरे भाइयों पर जो जुल्म किए हैं उनका हिसाब लूंगा गिन गिन कर। तुम मौत मांगोगी भी तो भी नसीब नहीं होगी तुम्हें। बंसी, thank you.
क्या पूछना चाहते हो? पूछो। जरा सोचने दो मुझे, अस्मा नामी तुम्हारी उस बहन ने क्या क्या बताया है मुझे? शैतानों के उस्ताद तुम्हारे उस्ताद आजम ने शाह फ्रेडरिक को गुमराह करके पापा आजम के साथ मिलकर कुद्स पर चढ़ाई का मंसूबा तश्कील दिया है, इसलिए वो कम उम्र बच्चों पर मुश्तमिल एक फौज बना रहा है। क्या ये सच है मुसलमानों के कातिल? अच्छा तो ये बात सच है, आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे उस्ताद आजम का मंसूबा है कि वो सलजूकों और अयूबियों को एक दूसरे के मध्य मुकाबिल लेकर आए और यूं सलेबियों का रास्ता बन जाएगा, ऐसा ही है ना? उसे अपनी सरहद के पास छोटा मगर खतरनाक काई कबीला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है और इसीलिए उसने वहां पर वबा फैलाने की साजिश की। नासिर जैसे बेजमीर शख्स के जरिए तुम लोग अलजीज को शीशे में उतारने में कामयाब हुए। जवाब दो। ठीक है, तो उसने जो बताया था वो सब सच था। अगर अफ्तालिया ने तुम्हें सब बता दिया है तो फिर तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो तुर्क? अफ्तालिया तो तुम्हारी उस जासूस का नाम अफ्तालिया है, बहुत अच्छा नाम है। और तुम्हारा नाम? अगर एक दफा कार्डिनल का मक्तूब कुस्तुंतुनिया पहुंच गया तो याद रखना मार्कस के दीनी भाई तुम्हारे कबीले को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल। तो जनाब मार्कस, मिलकर खुशी हुई, यानी कार्डिनल यहां तशरीफ ला चुके हैं इसका मतलब। अच्छा तो मेहमान नवाजी देखते हैं फिर। बंसी, हमारा एक जवान शहीद हो गया है, इसके अलावा कोई जख्मी या लापता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। शहीद को कबीले ले जाओ, आई किस भी साथ जाएगी। तुर्कुत के बगैर मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी यहाँ से, कसम खाई है मैंने। ये सिर्फ आपकी जंग नहीं है, ये हम सब लोगों की जंग है भाई, खता माफ कीजिएगा। ये सूरत हाल है अफसिन भाई, आई कुतलुक की शहादत की खबर भी आ चुकी है।
दिल बोझल है। शहजादे नौमान अपनी बेटी को महल में छोड़ने पर अजमन क्यों हुए? उनकी बेटी की हालत तश्वीशनाक थी। औलाद को इस हालत में देखना तकलीफदेह होता है, और उनको महल जाने पर राजी करने में हमारी भी कोशिश शामिल थी। कौन जानता था कि ये हालात हो जाएंगे। जी भेज दें। अलीज़ आए हैं। इजाजत चाहूंगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। तशरीफ रखिए, बैठिए। आप बैठिए। हुजूर, चचा जान की तलाश में बहुत बड़ी गलती सरसत हो गई नासिर से। जबरदस्ती दरगाह में जाने की गुस्ताखी की। एहसास है मुझे, इसलिए मैं खुद हाजिर हुआ हूं आपसे मुआजरत के लिए। मैं इब्नुल अरबी से दुआ का तलबगार हूं और उनसे मुलाकात का दरख्वास्त गुजार हूं। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन शेख तो खुद रवाना हो चुके हैं। जहां तक नासिर की बदतमीजी का ताल्लुक है, शेख खुले दिल के मालिक हैं। उनके नजदीक इसकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन असल सदमा उन्हें आपका अपने चचा के साथ बेरहमाना सलूक पर है। हुजूर देखिए, मुझे भी दुख है चचा जान के लिए, लेकिन इक्तदार की हवस में वो बहुत आगे निकल गए और सलेबियों के साथ गठजोड़ कर लिया। ये बात आपके इल्म में लाना चाहता हूं, वरना मैं अपने चचा को सजा कैसे दे सकता हूं। वक्त हर दर्द का इलाज होता है अमीर अल-अज़ीज़। ये सही और गलत को सामने ले ही आता है। शेख से आप क्या कहना चाहते थे, कहिए, शायद हम मदद कर सके। मुबारक मौका है हुजूर, मुझे अपनी शहजादी मिल ही गई। मेरी दिली ख्वाहिश है कि शेख इब्नुल अरबी ही मेरा निकाह पढ़ाएं। माशाल्लाह, अल्लाह ये घड़ी मुबारक करे। कौन है आपके होने वाली मालिका? शहजादी हलीमा, सलजूक के शहजादे नुमान की बेटी। अच्छा, टाइटस, जैसे तुमने हमारी जबान सीखी है वैसे हमारे खाने भी सीख लो। इतना लजीज खाना तो तुम्हें पापा आजम के महल में भी नहीं मिलेगा। तुम मुझे क्यों पसंद हो जानते हो? नहीं जानता मैं। तुम मेहमानों की खूब खातिर तवाजो करते हो, लेकिन उसके साथ साथ पूरा फायदा भी उठाते हो, इसलिए तुमसे मामला तय करना आसान है। अब तक अफ्तालिया मेरे आदमियों की तहवील में होगी, ये वक्त तुम्हारे कमाल दिखाने का है। ये काम रात तक हो जाना चाहिए। सुलेमान शाह की मौत काफी नहीं है, मुझे इस कबीले में अपनी बात मनवाने के लिए बहुत खास ताकत दरकार है।
कैसी ताकत बताओ? तुम्हें अपने खजानों को मुझ थोड़ा ज्यादा खोलना होगा। काई कबीले के पास कोई ठिकाना नहीं है। तुमने अब तक जो कुछ भी मुझे दिया है वो आटे में नमक के बराबर है। ताकतवर सरदार वही होता है जो कबीले का पेट भरे, वरना कोई भी सरदार की बात को नहीं सुनता। तुम मेरी सोच से ज्यादा खतरनाक हो। खैर, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे हिसाब से काम ना हुआ तो एक एक रुपया तुम्हारे हलक से निकालूंगा मैं। बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे अजायम पूरे करूंगा। सुलेमान शाह के मरते ही तुम्हारा कबीला रवाना हो जाएगा। अच्छा, कबीले को एक और हिजरत के लिए तैयार करने का भी मुआवजा होगा टाइटस? पता जलील इंसान, पता कौन है तुम्हारा मुखबर कबीले में? भाई भाई भाई, हम में और इन शैतानों में फर्क होना चाहिए कुछ। आप उसे हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि वो औरत है, और दूसरी तरफ इसके जख्म भरने का आप लोग इंतजार कर रहे हैं। या अल्लाह, सब्र दे। ठीक नहीं हूं मैं अर्तुरल, बिल्कुल नहीं। उधर देखो, आई किस गमो गुस्से से पागल हो रही है। उसे रोका ना तो दोनों को जान से मार देगी, और मैं अगर तुम ना रोकते तो उसे खत्म कर चुका होता। हर रोज कोई बहादुर शहीद हो जाता है हमारा, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। हमारा मकसद ये सब तो नहीं था, ना ही पापा आजम, ना ही कार्डिनल, ना ही बादशाहत। अर्तुरुल, मेरे भाई, ये किस अजाब में गिरफ्तार हैं? हम तो सिर्फ एक जमीन के मुतलाशी थे। और अब एक तरफ मंगोल है और दूसरी तरफ सलीबी। हमारा छोटा सा कबीला, औरतें और बच्चे इसके मुतहम्मिल हैं क्या? इस औरत की बकवास सुनी थी ना, हमारे मुंह पे कह रही थी कि सलीबी बर्बाद कर देंगे काय कबीले को। इन बातों का इल्म तो हमें पहले से था, गलती यह है कि तैयारी नहीं की। हमारी नई सरजमीन एक जन्नत है भाई, अल्लाह की जानिब से हमारी तकदीर में लिख दी गई है। हम नहीं जानते हमारा अंजाम कहां लिखा है, मगर जो उसने दिया है उसका शुक्र करना चाहिए। अल्लाह की नेमतों की कदर और हिफाजत, उसे राजी रखने के लिए बहुत जरूरी है भाई। यह सरजमीन नेमत है, ऐसी नेमत जिसका शुक्र करें हम। आए अल्लाह का शुक्र करें ताकि वो हमारी दुआएं सुने और हमें सुकून कल्ब दे।
मुझे लगा जो काम आपसे नहीं हो रहा है घोड़ा ही कर लेगा। मुझे तुरगुत के बारे में उगलवाना है किसी भी तरह। दिमाग खराब है तुम्हारा, बहुत हो गया। अंदाजा है क्या कर रही हो? जिंदा रहेगा तो कुछ मालूम कर सकेंगे हम इससे। कैसे मालूम करेंगे आप? नहीं बोलेगा ये। ये जिंदा रहे या मर जाए हमारे किसी काम का नहीं। तुरगुत कैद से बाहर आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आइकिस किसी का भी जीना हराम कर सकती है। वाह तुरगुत क्या किस्मत है, कैद के अंदर भी परेशान है, बाहर आकर भी परेशान होगा। मेरी पीर हलबी से बात हुई, सब बता दिया उन्होंने मुझे। लैला, गुनाह हुआ है मुझसे, अर्तुरुल को समझ नहीं पाई मैं। माफ कर दो, मैंने ये सब फिक्र में किया तुम्हारी। आया जान, हमें किसी भी तरह भाई को और महल को साजिशों से बचाना है और इसमें हमारी वही मदद कर सकता है। वो इन सलेबियों से तन्हा कैसे मुकाबला करेगा? उम्र ही क्या है उसकी? उम्र से क्या फर्क पड़ता है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हलीमा कहाँ है? ठीक है वो? ठीक है। भाई ने हलीमा और उसके वालिद को बिल्कुल अलग कर दिया, सबसे छुपा कर रखा है। भाई आखिर क्या चाहते हैं उनसे आयाजान? हलीमा से शादी करना चाहता है वो, उसके वालिद को भी राजी कर लिया है। हलब में उस अजीम शान शादी की तकरीबात कब से शुरू हो रही है? मेरे ख्याल से जल्द अज जल्द काबिल एहतराम कार्डिनल, आप यकीन कीजिए शहजादे की बेटी हलीमा और अल अजीज की शादी के लिए मुझे कितनी बेसब्री से इंतजार है। ऐसा लगता है कि दूल्हा अल अजीज नहीं तुम खुद हो। इस शादी के किस्से बयान हुआ करेंगे 40 दिन और 40 रातों के जश्न के बाद दुल्हा मियाँ को सुल्तान अलाउद्दीन से तोहफा मिलेगा जो उसकी फौज को मैदाने जंग में उतारेगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजादे, तन्हाई में बात करना चाहता हूं आपकी बेटी से। जी बिल्कुल, आप बात कर सकते हैं। हलीमा, हलीमा,
हसीन शहजादी। जो आप जानती हैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। आपके वालिद सलजूक शहजादे हमारी शादी हलब के सोगवार माहौल में खुशियां ही खुशियां ले आएगी। यूं तो इस शादी की जाहिरी वजूहात हैं, लेकिन असल वजह तो मेरे दिल में है, जो मैं किसी से भी बयान नहीं कर सका। हलीमा, मैंने पहली बार तुम्हें जख्मी हालत में अपनी बहन के हुजरे में देखा और उसी वक्त मेरे दिल ने तुम्हें। मेरी गर्ज सिर्फ इस शादी की जाहिरी वजूहात से है अमीर अली कदर, और उसके लिए भी मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। अगर आप उसको कबूल फरमाएंगे तभी खुद को शादी के लिए राजी कर पाऊंगी। शहजादी हलीमा, आप हुक्म कीजिए, क्या चाहती हैं? कहे तो पूरा हलब आपके कदमों में होगा, अपनी तमाम मालो दौलत आपको हक मेहर में दे दू, कहर नाजिल हो मुझ पर जो वादा पूरा ना करूं। मुझे मेरा भाई चाहिए और कुछ नहीं। अगर ये किद को सही सलामत ला सकते हैं तो राजी हूं मैं। मुझ में और इन शैतानों में कोई फर्क नहीं रहा ना। इंसानियत भूल गई मैं। अगर आप नहीं रोकते जाओ, जाकर खाना देकर आओ उन्हें। याद रखो उन जैसे नहीं है। हम कैसे उस मुखबिर और किले का रास्ता ढूंढेंगे अर्तुरुल भाई? हम आखिर कैसे तुर्गुत को इन शैतानों के चुंगल से छुड़ा पाएंगे? अमीर अली कदर, शहजादी हलीमा से गुफ्तगू हुई आपकी? क्या कोई मसला दरपेश है अली कदर? मसला? मसाइल का अनबार है नासिर। हर मसले का हल निकल आएगा, हुक्म कीजिए। पहली बार किसी लड़की ने मुझे हां नहीं कहा। तुम्हें यह मसला अहम नहीं लगता नासिर? एक सल्तनत के अमीर को, एक शायर को, एक सच्चे आशिक को कोई ख्वाहिश जाहिर की है? नहीं,
नहीं नासिर, उसने मुझसे और मेरी मलकियत में से कुछ नहीं मांगा, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। ना दौलत, ना ताकत, ना ये महल, उसे इसकी ख्वाहिश ही नहीं। तो फिर इनकार क्यों किया? एक शर्त रखी है उसने। उसने कहा कि उसके छोटे भाई को सलेबियों से बाहिफाजत छुड़वा कर ले आऊं तो वो शादी कर लेगी मुझसे। यानी नामुमकिन को मुमकिन करना है। तो ये साफ इनकार ही हुआ ना नासिर। ये एक तहजीब याफ्ता शहजादी का, एक अमीर को इनकार का मुहस्सब तरीका है। अमीर अल अजीज, अबू हशाम आपका शुक्रगुजार है तिजारत का मौका देने पर हलब शहर में, और तोहफा इनायत करना चाहता है। शहजादे यगित कल हलब शहर में मौजूद होंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? वो भी कल? या अल्लाह तेरा शुक्र, तो अबू हिशाम इतना ताकतवर आदमी है। बहुत खूब। देखना नासिर, एक बार शादी हो जाए तो शहजादी हलीमा का दिल जीतने में मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा इंशाल्लाह। मुझे यकीन है मीरा अली कद्र, कोई ऐसी औरत नहीं जो आपको इनकार कर सके। और देखिएगा, बहुत जल्द उनके लबों पर आप ही का नाम होगा। अस्मा की कोई खबर मिली? मोहतरम अमीर अल अजीज, उनकी तलाश हर जगह जारी है। अफसोस है, उनके जिंदा मिलने का कोई इम्कान नहीं। और काई कबीला? उन्हें तंबी कर दी गई है कि 2 दिन में हमारे इलाके को खाली कर दें, वरना 4,000 सिपाहियों के साथ उन पर चढ़ाई कर दी जाएगी। सिर्फ 4,000 सिपाही काफी नहीं है। लेकिन उनके जंगजुओं की तादाद तो सिर्फ 2,000। नासिर, जो कहा है वो करो, और ये काम बिना खून बहाए होना चाहिए। बस उन लोगों को खौफजदा करना है, और हमारे खौफ की वजह से खुद ही हथियार डाल देंगे वो। आपका हुक्म सर आंखों पर अमीर अली कद्र, अगर वो हथियार नहीं डालते और जंग नागुजीर हो जाती है तो मैं किसी को भी सलामत नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये आपकी इज्जत का सवाल है। जुदाई सहना कितना मुश्किल होता है अब्दुल गिली। जिनसे प्यार करते हो आप, आपके साथी, आपके खूनी भाई, आपके अजीज, लेकिन यह तकलीफ ज्यादा है। दुनिया का हर शख्स आप पर तीर चलाए, आपका जिस्म छलनी छलनी करते, टुकड़े टुकड़े करते आपके जिस्म के, तब भी इतनी तकलीफ नहीं होती। मेरा महबूब हलब की दोज़ख में है, मेरा प्यारा भाई सलीबियों की अजियतनाक कैद में है। ये दर्द कैसे जाएगा अक्तुल के लिए? हाँ, जाएगा, जाना होगा इसे, और उस दिन के आने तक मेरी शमशीर नियाम में नहीं जाएगी। जिन लोगों ने हमें अजियत दी, हमसे हमारा सुकून छीनने की कोशिश की, उनके लिए ही दुनिया बना दूंगा जहन्नम। जब तक जालिम की सल्तनत का खात्मा ना कर दूं, तब तक ये रूह जिस्म से जुदा ना करना। मुझे जुल्म के खिलाफ सीना सिपर होने की तौफीक दे, मासूमों और हक के लिए मेरी शमशीर को ताकत बख्श, ताकि तेरे सामने सुरखरू हो सकूं। मुझे मेरी नस्लों समेत यह तौफीक दे कि सिर्फ तेरे सामने झुकें।
अर्तुरुल, क्या कर रहे हो तुम? अर्तुरुल, अपने उस्ताद आजम को देना, मैंने उन्हें लिखा था कि मैं आऊंगा, तो उनसे कहना इंतजार करें आप। उठाओ इसे। उस्ताद को मेरा सलाम जरूर कहना। ये क्या है तुम्हारे जहन में अर्तुरुल? किले का रास्ता जानने का और कोई तरीका नहीं था भाई। हमजा, अगर आप इजाजत दें तो हमजा को मार्कुस के ताकुब में भेज दूं, रास्ता मालूम हो जाएगा। बहुत आला हमजा। जो हुक्म आपका भाई। अगर इजाजत दे तो मैं भी हमजा के साथ जाना चाहती हूँ भाई। किला देखा हो हमजा? खुदा न खास्ता हमें कुछ हो गया तो कम से कम बाबा के इल्म में होगा कि किला कहाँ है। समझ गया भाई। फी अमान अल्लाह। अंधेरा होने तक हम यहीं ठहरेंगे। हलब में सब ढूंढ रहे होंगे हम लोगों को। नासर का है? गालिबन उसी का है। शहजादे यकित को तैयार किया जाए हलब के लिए, क्योंकि अपनी बहन की शादी में उसका होना जरूरी है। दौरा बाजी ना रोएं। मैं अपनी शैतान से पत चचा की शक्ल कैसे देखूंगी? हर दिन कैसे मुखातिब करूंगी उनको? तुम्हारे बगैर मैं कितनी उदास और तन्हा हो जाऊंगी ये गीत। ये सब सोच सोच कर कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। उसने मार डाला मेरी बहन को। कब से कैद रखा हुआ है बाबा को। खुदा मुझे कोई राह दिखा दे। अर्तुरुल भाई, जब तक नहीं आ जाते हम दोनों को इंतजार करना होगा। अगर वो कभी ना आए और अफसिन कुछ ना कर पाए। वो कभी हार नहीं मानते। देख लीजिएगा, तुर्कुत भाई की खातिर आएंगे और बहादुरी से लड़कर हर एक से मुकाबला करेंगे। और हम, मैं और मेरे पापा, आपको भी साथ ले जाएंगे हम लोग।
सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। क्या मसला है? उस्ताद आजम के हुक्म से हम छोटे शहजादे को लेने आए हैं। जल्दी करें शहजादे, हमें यहाँ से फौरन रवाना होना है। इसे कहाँ ले जाओगे? हम ये बात आपको बताने के पाबंद नहीं है। नहीं नहीं, रुक जाएं। चचा जान, शहजादे को कहां भेजा गया है? वो जल्द ही वापस आ जाएगा इज़ादोरा। सल्जूक के शहजादे का हमारे कब्जे में होना सियासी तौर पर हमें बहुत मजबूत करता है। महल में तुम्हारा एक ही दोस्त है, मुझे मालूम है मेरी बेटी इज़ादोरा। हलब शहर में एक मामूली मसला है, हल होते ही वापस आ जाएगा वो। ये किसकी किताब है? यूनान के मशहूर फलसफी अरस्तू की है। लेकिन बुद्ध परस्तों की तो तमाम कुतुब को आग लगा दी गई थी। जरूर लगाई गई थी, मगर मुसलमान अरबी में तर्जुमा करके इल्म हासिल कर रहे हैं। उनके नबी का फरमान है जिसकी पैरवी मुसलमानों पर लाजिम है। इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें इसके लिए चीन ही क्यों न जाना पड़े। मेरी प्यारी बेटी इज़ादोरा, मैं कुछ ही देर में अपने खास मेहमान से मिलकर आता हूं। कहां ले जा रहे हो? मैं कहता हूं छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुर्गुत भाई, तुर्गुत भाई होश में आए। देखिए ये लोग मुझे कहां ले जा रहे हैं, छोड़ो मुझे। तुर्गुत भाई बचाओ मुझे। तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। दुर्गत भाई, दुर्गत भाई बचाए मुझे। तुम्हारा नन्हा शहजादा तो गया तुर्गत। मजा आ जाएगा पीकर। अब वक्त आ गया है, इसे जिंदान में ले जाओ वापस। मैं खुद इसके कसबल निकालता हूं। इस इंतकाम की मैं कब से मुंतजर हूं, और अब बाबा का इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। काई आ गए, वो आ गए। काई कबीला खुदा के घर तक आ चुका। आजमाइशों पे सब्र करना सीख लिया है मैंने। क्या हुआ है अली मसुल्तान को?